1983 में हमारे जनपद के लोग भी आए हैं, वो बच्चे भी आए हैं, जिनके बाबा, जिनके पिता हमारे साथ काम के प्रधान थे, मेरे पंचायत के सदस्य थे, मेरी दृष्टि ऊपर गई। और एक चीज मैंने बताया कि मेरे लिए हमारा पंचायत प्रमुख हमारी शोभा है, हमारे शरीर का उपयोग है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो जिला पंचायत के मेंबर हो, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, ग्राम विकास के साथ पंचायती राज भी हमसे जुड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह चौधरी साहब हमारे सहयोगी मंत्री हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। और उत्तर प्रदेश को बड़े भाग से योगी आदित्यनाथ की जैसा मुख्यमंत्री जिला अंदर कल्याण सिंह जी ने अगर शुरुआत की थी, योगी जी के अलावा किसी मुख्यमंत्री में वो ताकत नहीं है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपने हथेली पर रखकर सम्मान करने का काम करे, उसकी भी हम इज्जत करेंगे। आपने इतनी मांग रखी, मैं ब्लॉक प्रमुख था, क्षेत्र पंचायत अधिनियम में परिस्थितियों की व्यवस्था की असेंबली, अगर आपने उसका संज्ञान लिया होगा। पंचायत राज अधिनियम में भी हमारे पास उन परिस्थितियों जो परिस्थितियां हैं, जिनमें हमें अधिकार है, रक्षा पास करने का हमें अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति कमाने ले जाता है, उस पर टैक्स लगाने का हमें अधिकार है, कि कैसे हम ग्राम पंचायत विधि को मजबूत कर सकते हैं, हमें शोधों से अगर वो अधिकार आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा और गांव का विकास मजबूत होगा। जो आज आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, जो मांग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और इतने साथियों ने रखा, मेरा अद्भुत स्वागत किया है आपने। मुझे अद्भुत प्यार दिया, मैं तो भूल गया था कि मैं ग्राम विकास विभाग का मंत्री हूं। मुझे तो याद आया कि 1983 में ब्लॉक प्रमुख चुना गया था, मैं कहीं से फिर से ब्लॉक प्रमुख होके अपने परिवार के लिए करा। पता लगाना, हमारे परिवार करके कहां आए हैं, मैं मंदरौरा का ब्लॉक प्रमुख था 1983 में, उसको ब्लॉक के भी बच्चे आए हैं, पूछना, मैं क्षेत्र पंचायत में खड़ा होता था, तो 10,000 से कम क्षेत्र की जनता नहीं होती थी, मैं यही कहता था, ऊपर भगवान, नीचे प्रधान, बीच में मोदी जी जैसा इंसान। हमारे सेनानी जी, मेरे छोटे भाई हैं, इनके पिताजी का बड़ा ही राजनीतिक और सार्वजनिक सुंदर इतिहास रहा है, इनके लिए योग पुत्र हैं, अब जिन्हें जी ने भी मुझे बड़े प्यार से आमंत्रित किया था। इसलिए आपको मैं बहुत लंबी बात नहीं करने आया हूं, आप निश्चिंत रहे, एक तो मैं आपको डर से अलग करता हूं, किसी सीईओ की का ये साहस नहीं होगा कि हमारे अपने ग्राम पंचायत अधिकारी और वीडियो को बचाएगा, जनता से इसके प्रतिनिधियों की जांच कराएगा, ये वो किसी से नहीं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिससे आपको बड़ी परेशानी भी मुझे मालूम है, सोशल मीडिया पर वो चीजें चली, सोशल मीडिया के बात पर सरकार का कोई रुख नहीं है, सरकार का कोई वर्जन नहीं है, हम आपको मजबूत चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, योगी और मोदी की जोड़ी इस देश को नई दिशा दे चुका है और नई दिशा की ओर ले जाने के लिए बेताब होकर सर, आप सबका विश्वास चाहिए, आप सबकी कृपा चाहिए। आपको ये डर क्यों है कि हम समय से पहले चुनाव कराएंगे, 5 वर्ष के लिए हम चुने गए हैं, तो आप भी 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपका चुनाव फेयर हो, आपका चुनाव निष्पक्ष हो और किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी पंचायत के चुनाव में हमारी सरकार नहीं होने देगी, पर्चा खारिज हो, पर्चा निकाला जाए, जो पर्चा भरेगा, चुनाव लड़ेगा, जो जनता का विश्वास लेके आएगा, मुझसे 2020 के बाद भी इसी तरह से जीतेंद्र जी के साथ पंचायत सम्मेलन में, प्रधान के सम्मेलन में एक दूसरे से मिलेगा, यह आपको मैं आश्वस्त करता हूं। मैंने बताया कि मुझे कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, उसमें हमें बस्ती जाना है, गांव का प्रभारी मंत्री हूँ, कुशीनगर और झांसी का प्रभारी मंत्री था, हमारे जनपद के लोग भी मिले और उन्होंने ये बताने में बड़ी खुशी का इजहार किया कि मैं झांसी का रहने वाला हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ, तो फिरोजाबाद के लोग भी आए, बस्ती के लोग भी आए हैं, उन्हें भी वही प्यार मिलेगा जो झांसी और कुशीनगर के पंचायत प्रतिनिधियों को मिला और पूरे प्रदेश को मिलेगा।
पूरे प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों का मंत्री के रूप में मैं संरक्षक हूँ और महासंरक्षक हमारी योगी आदित्यनाथ जी है। आपको योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास करना होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो आदमी गुणवत्ता प्राप्त होगा, जो आदमी जनता की सेवा में कोई चूक नहीं करेगा, अगर कहीं चूक भी होती है तो आप अंतिम व्यक्ति होंगे जिस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार होगा। पहले जो लोग उसके जिम्मेदार हैं सरकारी होने के लोग, पहले हम इनको ठीक करेंगे, तब कहीं बहुत जल्दी होने पर आपके पास हमारी सरकार का हाथ जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से बहनों को, एक बहन संबोधित कर रही थी, बहनें हमारे सामने बैठी थी, महिलाओं का सशक्तिकरण भी हमारे सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता। आपकी सराहना बढ़े, आपका हिस्सा